कोविड संक्रमण की वजह से बीते 7 महीने से बंद चल रहे CBSE, ICSE और माध्यमिक विद्यालय 19 अक्टूबर से फिर खुलेंगे। प्रयागराज में भी स्कूल खुलने के चलते तैयारियां जोरों पर है। पिछले कई दिनों से स्कूल प्रशासन स्कूल के हर हिस्सों को सैनिटाइज और सफाई व्यवस्था में जुट गया है। प्रयागराज की यमुनापुर स्थित बेथनी कॉन्वेंट स्कूल में भी तैयारियां जोरों पर है। स्कूल प्रशासन सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्कूल में हर जरूरी उपकरण लगा दिए गए हैं। स्कूल आने वाले हर बच्चे की एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनिंग होगी। फिर क्लासरूम से पहले 2 जगह बॉडी सैनिटाइज होगा, जिसके बाद क्लासरूम में एंट्री दी जाएगी। क्लासरूम को सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही मेडिकल रूम भी बनाया गया है। इससे पहले सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 50% की उपस्थिति के साथ स्कूल में बुलाने का फैसला किया था। 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट में पढ़ाई होगी। पहली पाली सुबह 8 से 11 बजे में 9वीं और 10वीं, तो दूसरी पाली में दोपहर 12 से 3 बजे 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को विद्यालय बुलाया जाएगा। बीच के 1 घंटे के दौरान स्कूल परिसर को सैनिटाइज कराना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्कूलों को गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। स्कूलों को सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी होगी। सबसे पहले सरकार ने बोला है कि पेरेंट्स से लिखित लेना है हमें कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो ऐसे हमने ले लिया है, 120 पेरेंट्स की लिखित एप्लीकेशन हमारे पास पहुँच गए हैं, तो हम उसमें तो वो कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद है जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनका थर्मल चेक होगा गेट के पास। जो बच्चे अगर टेम्परेचर में हैं तो उनको उनके पेरेंट्स के साथ ही घर भेज दिया जाएगा। जो सही बच्चे हैं उनको सैनिटाइजर करके ऊपर अंदर क्लासरूम में लाएंगे। उसके बाद क्लासरूम में आने के बाद उनका क्लास के बाद क्लास को सैनिटाइज दोबारा करेंगे। बच्चों को डिस्टेंस रखते हुए उनको बाहर भेजेंगे। तो टीचर्स सुबह से लेकर 8:30 बजे से लाइक 11:30 तक स्कूल में रहेंगे। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चे आएंगे। सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों को हम अलग रूम में रखेंगे और सेकेंडरी वाले बच्चों को अलग रूम में रखेंगे। वही सेम यूज़ नहीं करेंगे, सो दैट वी कैन सैनिटाइज द प्लेसेस। सिस्टर, अगर कोई बच्चा का टेम्परेचर अगर नॉर्मल से अधिक पाया जाता है तो उसके लिए क्या गाइडलाइन? एक है तो अगर बच्चा अंदर आने के पहले ही पता चल गया तो हम पेरेंट्स के साथ घर भेज देंगे। अगर अंदर आने के बाद भी बच्चों को कोई दिक्कतें हुई है ऐसे तो उनका पेरेंट्स को फ़ोन करेंगे। अगर वो नहीं आ पाते हैं तो स्कूल अरेंजमेंट करेंगे उनको घर में ड्रॉप करने के लिए या कुछ इनको मेडिकल हेल्प दिया जाएगा। कितने दिनों से तैयारियां चल रही हैं और कितने घंटे यहां पर तैयारियां होती हैं और कितने क्लासरूम होती? ये एक हफ्ते से चल रहा है तो, और 21 वर्कर्स हैं जो अटेंड कर रहे हैं। तो सुबह शाम और रिसेस के टाइम पर सफाई चलता है क्लासरूम्स की और बाथरूम्स सभी की।